आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी में, आपके साथ संजीव झा। इस वक्त खड्डा कॉलोनी के एनटीपीसी ग्राउंड में हैं और यहां पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका अध्यक्षता प्रमोद यादव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से टीम यहाँ पर जो है प्रमोद यादव हाथ एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, और जल्द ही खेल प्रतियोगिता का सरप्राइज भी रखा गया है। और देख सकते हैं किस तरह से ग्राउंड में पानी भरने के कारण जो है सो ये कार्यक्रम जो है सो या टूर्नामेंट जो है जो लेट से शुरू किया गया है। इस वजह से देख सकते हैं किस तरह से जो है सो मतलब अपने अपने खिलाड़ी जो है सो अपने अपने मैदान में रन क्षेत्र में आने को तैयारी हो चुके हैं। और आइए इस बात बात करते हैं प्रमोद यादव जी से कि मैं इस पर इनका क्या कहना है। देखिए, हमारा बहुत जब हम स्कूल टाइम में थे तो वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, खेल से हमारा लगाव है और बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलता है और शरीर में एनर्जी भी रहती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए हम सभी लोगों को खेल के प्रति आकर्षित होना चाहिए और समय समय पे हम कभी क्रिकेट टूर्नामेंट, कभी फुटबॉल टूर्नामेंट, तो आज वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं और समय समय पे ये सब प्रोग्राम मैं कराता रहता हूँ और बच्चों का हौसला बुलंद करता हूँ। कितने दिन तक खेल चलेगी? आज की है, कल की है? 2 दिन की है, 8 टीम की टोटल मैच है। आज क्वार्टर फाइनल होगा, कल सुबह मॉर्निंग में सेमीफाइनल होगा और कल शाम को फाइनल है। कल कितनी टीम इस मैदान में रन क्षेत्र मार चुकी है? 8 टीम। कहाँ कहाँ की टीम है? पूरे बदरपुर विधानसभा की 8 टीम है। और ये जो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, कुछ प्राइज भी रखा गया है? बिल्कुल रखा हुआ है, प्राइज रखा गया। जो फर्स्ट प्राइज है 2100 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा, साथ में ट्रॉफी दिया जाएगा, और जो सेकंड करेगा उसको 500 रुपीज़ का इनाम दिया जाएगा। प्राइज कल वितरण होगा, इसका फाइनल जो है जो कल है। तो हमने सुना कि उन्होंने कहा कि कल जो है खेल का टूर्नामेंट का कल फाइनल मैदानी रन क्षेत्र में उतरेंगे कल जो है। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।